ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਈ ਆਈ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें दिन ब दिन हावी हो रही हैं और मजहबी उन्माद में ये मुस्लिम मुल्क पिसता ही चला जा रहा है। चाहे इस देश में लोग भूखे मर रहे हों, इनके नेता अपने देश में आतंकियों को पालने के लिए अरब देशों के सामने कटोरा लेकर खड़े हों, या इनके नेताओं को इन्हीं के लोग विदेश में चोर चोर कहकर बुलाते हों, इस सब के बावजूद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान करना बंद नहीं हो रहा। पाकिस्तान की कट्टरपंथी प्रतिबंधित जमात तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के एक मौलवी ने अपने अनुयायियों से अहमदी गर्भवती महिलाओं पर हमला करने का फतवा जारी किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई नया अहमदी पैदा ना हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें टीएलपी के मौलवी मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी अपने समर्थकों से यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में मौलवी पंजाबी भाषा में बोलता दिखाई दे रहा है। उसने महमूद गजनवी का नाम लिया और अहमदिया समुदाय की गर्भवती औरतों पर हमले का फतवा दिया। अपने बयान में मौलवी ने पाकिस्तान के पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी। उसने कहा, अगर कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मेरी बात को सुन रहे हों तो ये जान ले कि हम रुकने वाले नहीं हैं। मौलवी के बयान पर मंच के नीचे भीड़ में से विरोध की बजाय समर्थन में नारेबाजी होती रही। मौलवी ने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम की निंदा करने वालों के लिए सिर तन से जुदा की सजा मुकर्रर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी ने आगे कहा, अगर हम गर्भवती अहमदिया महिलाओं को मारने में सफल नहीं हो पाए तो उन बच्चों को पैदा होने के बाद कत्ल कर दो। यही नहीं, उसने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आप में से जो पुलिस में है, या अगर कोई जिला पुलिस अधिकारी या उपायुक्त या पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर है तो उन्हें समझना चाहिए कि हमें रोका नहीं जा सकता। मौलवी मोहम्मद नईम चट्टा कादरी पाकिस्तान के प्रतिबंधित और कट्टरपंथी कहे जाने वाले जमात तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान का सदस्य है। आपको बता दें, अहमदिया एक धार्मिक आंदोलन है जो कि 19वीं सदी के अंत में भारत में आरंभ हुआ। इसका प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद की जीवन और शिक्षाओं से हुआ। अहमदिया आंदोलन के अनुयायी गुलाम अहमद को मोहम्मद के बाद एक और पैगंबर मानते हैं, जबकि इस्लाम में मोहम्मद खुदा के भेजे हुए अंतिम पैगंबर मोहम्मद माने जाते हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।